नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शनिवार को छापेमारी में बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान पाकिस्तानी आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में एनआईए ने पश्चिम बंगाल से 6 और केरल से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आतंकियों के कब्जे से डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, जिहादी साहित्य, धारदार हथियार और घर में विस्फोटक उपकरण बनाने से जुड़े कागजात समेत भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। जानकारी के मुताबिक एनआईए को पश्चिम बंगाल और केरल समेत देश के विभिन्न हिस्सों में अलकायदा के अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल के बारे में पता चला है। यह ग्रुप निर्दोष लोगों की जान लेने के उद्देश्य से भारत में महत्वपूर्ण स्थानों पर आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था। वहीं एनआईए ने बताया कि शुरुआती जांच के मुताबिक इन लोगों को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान स्थित अलकायदा आतंकवादियों द्वारा कट्टरपंथी बनाया गया था, साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित कई स्थानों पर हमले करने के लिए प्रेरित भी किया था और इस उद्देश्य से मॉड्यूल सक्रिय रूप से धन जुटाने में लगा हुआ था और हथियार तथा गोला बारूद खरीदने के लिए गैंग के कुछ सदस्य दिल्ली जाने की योजना बना रहे थे। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी इन आतंकियों की पुलिस कस्टडी लेने और आगे की जांच करने के लिए इन्हें केरल और पश्चिम बंगाल में कोर्ट के समक्ष पेश करेगी।